हाय फ्रेंड्स, मैं अनु शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सोसाइटी में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पेंशनर की सूची कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर अगर आपको 60 साल की पेंशन की सूची चेक करनी है, विधवा पेंशन की सूची चेक करनी है, या फिर आपको विकलांग पेंशन की सूची चेक करनी है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप तीनों की सूची कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं सूची में नाम है या नहीं है। तो सारी बातें करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेंशनर सूची चेक करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, ssp.by-up.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीनों तरह की पेंशन के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं होम एंड होम के बराबर में यहाँ पर आपको वृद्धा पेंशन, जिसे हम 60 साल बोलते हैं, निराश्रित महिला पेंशन, जिसे हम विधवा पेंशन बोलते हैं, लास्ट में यहाँ पर दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन, जो यहाँ पर डिसेबल्ड जो विकलांग पेंशन होती है वो। तो यहाँ पर तीनों यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जिसकी भी सूची आपको यहाँ पर चेक करनी है तो ऊपर आप उसी पर क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पर 60 साल की एक सूची चेक करनी है, सूची में नाम, तो यहाँ पर हम वृद्धा पेंशन पर क्लिक कर लेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन, आवेदन लॉगिन, पात्रता वगैरह ऑप्शंस मिल जाएंगे। साइड में आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपको पेंशनर सूची का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंशनर सूची और फाइनेंशियल ईयर वाइज यहाँ पर कई सूची दे रखी है। यहाँ पर 17-18 से लेकर यहाँ पर 21-22 तक की सूची दे रखी है। तो यहाँ पर अगर आपको लेटेस्ट सूची में नाम चेक करना है तो सिंपली यहाँ पर आपको पेंशनर सूची 2021-22 पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। तो ऐसे अगर आपको डिस्ट्रिक्ट अपना नहीं मिला सर्च करने से तो डायरेक्टली आप यहाँ पर कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे। कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप कर देना है। जैसे ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप करेंगे वैसे ही यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कर लेना है। जब आप डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके विकास खंड होंगे और जो भी यहाँ पर आपकी नगर पालिका होंगी वो अलग अलग ओपन होकर आ जाएंगे। तो अगर आपका शहरी क्षेत्र का होता है तो नीचे यहाँ पर शहरी क्षेत्र दे रखा है, जिसमें आपकी जो भी नगर पालिका और नगर निकाय होंगे वो नीचे यहाँ पर शो हो जाएंगे। ऊपर यहाँ पर अगर आपका ग्रामीण का है तो यहाँ पर आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर ग्रामीण का है तो जो भी आपके ब्लॉक होता है वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन अगर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत हो रही है तो कंट्रोल ऐप का यूज करके आप डायरेक्टली अपने ब्लॉक का नाम टाइप कर सकते हैं। ब्लॉक सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर जो भी आपकी ग्राम पंचायत होती है वो सारी ग्राम पंचायतें आपके ब्लॉक की ओपन होकर आ जाती है। तो यहाँ पर कई सारी ग्राम पंचायतें ओपन होकर आ गई हैं। अब मान लीजिए हमें अपनी ग्राम पंचायत इसमें ढूंढनी है तो अगेन हम यहाँ पर कंट्रोल ऐप की मदद लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम अपनी ग्राम पंचायत का नाम टाइप करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर हमारी जो ग्राम पंचायत है वो हाईलाइट हो जाएगी। देन उसके बाद हमें अपनी ग्राम पंचायत पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ग्राम पंचायत पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर जो हमारी जो पेंशन होती है वो क्वार्टरली दी जाती है। तो एक मंथ ईयर में यहाँ पर 4 क्वार्टर होते हैं, सारे क्वार्टर यहाँ पर जो एक क्वार्टर होता है वो 3 मंथ का होता है। तो यहाँ पर टोटली जो हमारी पेंशन आती है वो 3 मंथ की इकट्ठी आती है। तो यहाँ पर हमारे टोटली 4 क्वार्टर दे रखे हैं। फर्स्ट थर्ड क्वार्टर की हमारी जो पेंशन है वो आ चुकी है और फोर्थ क्वार्टर की अभी हमारी पेंशन नहीं आई, जो कि हमारी लगभग अप्रैल में आएगी। तो यहाँ पर आपको जिस भी क्वार्टर की पेंशन चेक करनी है, मान लीजिए आपको यहाँ पर अप्रैल से मई जून जुलाई तक की करनी है तो आप फर्स्ट क्वार्टर में करेंगे। देन उसके अगले 3 महीने की आप सेकंड क्वार्टर में, उससे अगले 3 महीने की आप यहाँ पर थर्ड क्वार्टर में चेक करेंगे। तो मान लीजिए हमें लास्ट मतलब जो लेटेस्ट सूची है जो दिसंबर में पेंशन आई थी उसकी सूची चेक करनी है तो यहाँ पर आपको लास्ट थर्ड क्वार्टर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सिंपली जो संख्या दे रखी है आप उस पर क्लिक करेंगे। देन उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जितने भी पेंशनर्स होंगे उनके सारे नाम ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जिसका भी नाम सर्च करना है तो अगेन यहाँ पर आप ऐसे सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हुए आप पेंशनर का नाम टाइप कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर पेंशनर का नाम सूची में होता है तो यहाँ पर नाम जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा पेंशनर का, पेंशनर का यहाँ पर नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, मेल फीमेल, ओबीसी, उम्र आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, साथ ही यहाँ पर कितना पेमेंट रिलीज हुआ वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, बैंक का नाम भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा एंड बैंक जिस बैंक में क्रेडिट हुए पैसे वो भी आप यहाँ पर लास्ट के 4 डिजिट देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेमेंट है वो रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपने जो पेंशन है उसके लिए आवेदन कर दिया और इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं होता है तो डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ आवेदक लॉगिन पर क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं।
स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा जो आपका फॉर्म है किस स्टेज पर अभी है, तो आप उस हिसाब से उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में बताई हुई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको वृद्धा पेंशन की जो सूची वो चेक करना बताया, आप यहाँ पर विधवा पेंशन की सूची चेक कर सकते हैं, विकलांग पेंशन की सूची चेक कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसकी भी सूची चेक करना चाहे यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। आप कोई नया आवेदन करना चाहें वो भी इस वेबसाइट से इजीली कर पाएंगे। और यहाँ पर एक बात बता दूं, ये पोर्टल केवल यूपी का है, तो यहाँ पर आप जो भी पेंशन की डिटेल्स चेक करवाएंगे वो केवल यूपी की ही कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।